नमस्कार दोस्तों, अभी आप देख रहे हैं दैनिक लाइव न्यूज 24। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पे। कल आशरे का दिन था, आशरे का दिन था कल, और कल हमारे ऊपर कुछ हमारे दुश्मनों ने बहुत बड़ा इल्ज़ाम लगाया है हमारे ऊपर। वो इल्ज़ाम एकदम बेबुनियाद है। वो ये हुआ, मैं एक फोकस लाइव न्यूज़ ग्रुप चलाता हूँ व्हाट्सएप पे, तो कभी भी कोई फ़ोटो वीडियो इस तरीके की होती है तो मैं वो बना के अपना वो उस पर चैनल के ऊपर डाल देता हूँ ग्रुप के ऊपर। तो कल एकदम रोड पर सन्नाटा था, मैं आया था यहाँ मजलिस के लिए सुनने के लिए, तो वहाँ 5 आदमी की परमिशन थी, तो अंदर जाने की इजाज़त मिली नहीं, तो फिर मैं बाहर ही खड़ा रहा। उसके बाद जब मजलिस ख़त्म हो गई, जनाब लोग सब अपने घर चले गए, तो जैसे ही मैं यहाँ पर आया अपने घर की तरफ करीब, तो इतनी देर में कुछ छतों से जैसे कि मातम की आवाज़ आने लगी, तो फिर मैं वापस नाई साहब के इमाम वाले पास फिर मैं चला गया। तो उधर से एक आ रहा था फ्लैग मार्च पुलिस का गाड़ियों के ऊपर, तो मैंने मोबाइल निकाला, मैंने उसकी एक पूरी फ्लैग मार्च की पूरी एक वीडियो बनाई, और उसके बाद में जब मैंने अपनी गर्दन घुमाई तो देखा पुलिस द्वारा जो था ड्रोन कैमरा चलाया जा रहा था। तो हमने मीडिया चैनल न्यूज़ के हिसाब से उसके ऊपर फिर मैंने 2 शब्द भी बोले कि अभी यहाँ विक्टोरिया स्ट्रीट पर जो मातम छतों पर कुछ लोगों ने किया, उसकी निगरानी ड्रोन कैमरे से जो है पुलिस कर रही है। तो वो अपने चैनल के हिसाब से मैंने किया था, उसको लोगों ने गलत सेंस से उसको गलत वायरल कर दिया, उस पर हमारी इज्जत के ऊपर आ रहा है, लोगों ने हमारी इज्जत को एकदम मिट्टी में लाने की कोशिश कर दी है। और एक विक्टोरिया स्ट्रीट के ऊपर नाइन साहब के इमामबाड़े के आगे एक हमारा एक अंजुमन का एक ऑफिस था, तो वहाँ मेरा एक बोर्ड लगा है, तो वहाँ मेरी एक फ़ोटो लगी थी, वो बोर्ड में फ़ोटो है, तो उस फ़ोटो किसी ने मोबाइल से खींच कर उसके ऊपर मुखबिर लिख के ये वायरल करके चला दिया है। आपको किसी पे शक है? हमें शक या हम किसी पे शक नहीं, किसी से मैं कोई नाम नहीं ले सकता, मगर मैंने आज FIR कराई है कि भाई इस फ़ोटो को होर्डिंग से जिसने खींचा है और जिसने मुखबिर लिख के ये हमारे लिए हमारी इज्जत के ऊपर इतनी बड़ी मेरे लिए मुसीबत डाल दी है, तो इसकी जाँच की जाए कि ये किसने ये सब। आपने कहीं FIR भी कराई है? मैंने आज FIR कराई है, हमारा ये चौक कोतवाली में आता है, मैं सब जगह गया था तो मुझको मैंने कहा गया कि आपको चौक कोतवाली से ही, तो यहाँ मुझे रिसीविंग मिल गई है, तो मैंने FIR कराई है इस बात की कि इसकी जांच की जाए किसने ये हमारे साथ दुश्मनाजी की है। मैं सियासत नहीं करता हूँ, मैं और मैं किसी मसले में कोई सियासत नहीं करता हूँ, मैं एक नौहा खान हूँ, नौहा खान की हैसियत से मैं हर प्रोग्राम में हर जगह जाता हूँ, और अपना सोशल वर्क का भी काम रहता है, लोगों की मदद करना, लोगों की मदद करवाना, जो अपने स्तर से काम होता है वो मैं करने की क्या बताऊँ, जो भी मौला के काम में आगे आता है उसको जो है कुछ ना कुछ ऐसे आड़े लिया जाता है कि वो आगे बढ़ ना पाए। तो मैं आप लोगों के चैनल द्वारा ये कहना चाहता हूँ, मैं कसम खा के कह रहा हूँ अपने 12 इमाम की, अपने बच्चों की, अपनी वालिदा की, इससे बढ़कर हमारे पास कोई सबूत नहीं है, और कि आप लोगों को मैं यकीन दिलाऊं। आपने जो तहरीर दी है कोतवाली में, उसमें आपने लिखा आपको जान से मारने की दिक्कत है, उसके बारे में क्या है? हाँ, क्योंकि हमारे पास जिस तरीके से लोग होशियार हैं, व्हाट्सएप कॉल कर रहे हैं, व्हाट्सएप कॉल में रिकॉर्डिंग नहीं होती है, तो इस तरीके के मेरे पर रात कल 2 बजे तक के फ़ोन आते रहे, एरियो के कुछ लोगों ने नाम भी लिए कि आपकी जान को ख़तरा है, लोग आपका गाढ़ा लगाए हुए हैं, अभी भी मुझसे मेरे घर के पास एक साहब आए, मुझसे भिड़ गए कि बजाजे की तरफ ना जाइएगा, बजाजे में आपको लोग टाड़े हैं, दरगाह कश्मीरी मोहल्ला, बहुत से एरियो के नाम लिए गए, हर जगह आपको ढूंढा जा रहा है। जिनकी कॉल आई कि आप जानते हैं उनको, किसी भी शक आपका नहीं? शक क्या, कुछ कॉल अनजान भी आई, मगर कुछ कॉलें ऐसी आई थी जो मेरी हमदर्दी में आई कि भाई आप नेक आदमी हो, आप नौहा खान हो, भाई मैं आपको बता रहा हूँ, थोड़ा सा देखभाल के निकलिए, घर से निकलिए ना, ये सब तरीके से मतलब।